चलिए भाई, तो आज हम लोगों की लास्ट क्लास है इलिमिनेशन का। आज लास्ट पार्ट हम लोग को पढ़ना है, दैट इज डी हाइड्रोहैलोजेनेशन। बहुत ही अच्छा है, बच्चों को इसमें थोड़ा डर भी लगता है। डी हाइड्रोहैलोजेनेशन में बच्चों को डर लगता है, डिहाइड्रेशन में नहीं लगता है। तो विश्वास मानिए, आज के बाद से डर खत्म होगा, ठीक है ना, पक्का। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द सेकेंड टॉपिक, डिहाइड्रोहैलोजेनेशन। बिल्कुल कंसेप्चुअल पढ़ाऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। डी माने निकालेंगे, हाइड्रो माने हाइड्रोजन को, हैलोजन माने हैलोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन फ्रॉम एल्किल हैलाइड इज कॉल्ड डिहाइड्रोहैलोजेनेशन। ठीक है, देखिए बेटा, सबसे पहले बेटा मैं बताना चाहूंगा, ये जो डिहाइड्रोहैलोजेनेशन होता है ये दोनों पाथ फॉलो करता है। अंकित बेटा, अंकित, ये दोनों पाथ फॉलो करता है, E2 पाथ भी फॉलो करता है और E1 पाथ भी फॉलो करता है, जबकि डिहाइड्रेशन सिर्फ फॉलो करता था E1 पाथ। एग्री, लिखेंगे फॉलो बोथ पाथ, E2 ब्रैकेट में लिखिए मोस्ट कॉमन, एंड E1 ब्रैकेट में लिखिए रेयर। ये बच्चों दोनों पाथ को फॉलो करता है, बट द मोस्ट कॉमन पाथ इज E2। आपको अगर बच्चों 20 एल्किल हैलाइड दिए जाएंगे और डिहाइड्रोहैलोजेनेशन पे सवाल बनाया जाएगा तो दो सवाल में E1 आएगा, 18 सवालों में E2 आएगा। मोस्ट कॉमन पाथ होता है E2 पाथ, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, जिस प्रकार से बेटा हम लोग डिहाइड्रेशन एसिड की उपस्थिति में कराते हैं एट हाई टेम्परेचर, हम लोग डिहाइड्रोहैलोजेनेशन कराते हैं यूजिंग स्ट्रॉन्ग बेस। हम लोग बच्चों यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जैसे आप यूज कर सकते हो एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH इज एक्चुअली एथेनॉलिक KOH। जब एथिल एल्कोहल के सॉल्वेंट में हम KOH को मिला देते हैं तो उसे हम एल्कोहलिक KOH कहते हैं। और बच्चों एल्कोहलिक KOH में रिएक्टिव स्पीसीज, रिएक्टिव बेस होता है C2H5O-, इथॉक्साइड आयन। सॉल्वेंट होता है ऑफ कोर्स एथिल एल्कोहल जिसमें आपने डाला है, और टेम्परेचर होता है हाई। ठीक है बेटा, अगर कहीं पर एल्कोहलिक KOH लिखा है तो ये अंडरस्टूड है। यहां पर रिएक्टिव बेस होता है इथॉक्साइड, सॉल्वेंट होता है एथिल एल्कोहल और हाई टेम्परेचर इनबिल्ड है। एल्कोहलिक KOH लिखा है तो टेम्परेचर हाई है, वो इनबिल्ड है। इज इट क्लियर? ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर आप में आपको कहीं पर इतना दिखाई पड़ जाए, दिस इज नॉट एल्कोहलिक KOH। क्लियर? एल्कोहलिक KOH में हाई टेम्परेचर इनबिल्ड होता है। सो अगर आप एल्कोहलिक KOH लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखें। क्लियर? कहीं पर कोई मिस कर दे लिखना तो अलग बात है, बट जेन्युइन यही होता है, राइट। और आप क्या ले सकते हैं? और आप ले सकते हैं सोडामाइट, ये भी बहुत ही प्यारा बेस है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है। और यहां पे रिएक्टिव स्पीसीज क्या होगी बच्चों? NH2-। क्या होगी बेटा बोलो? NH2-। और आप क्या ले सकते हैं बेटा? और आप ले सकते हैं, जरा नजरे सामने रखिएगा, व्हाट इज दिस? दिस टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। व्हाट इज दिस? आवाज नहीं आ रही है बेटा? ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, मैंने इसका सोडियम सॉल्ट बना दिया।
दिस इज कॉल्ड सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड. सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड. एंड आप ध्यान से देखिए, यहां पे जो रिएक्टिव बेस है जो इलिमिनेशन कॉज करेगा, कितना छोटा सा, मेरे जैसा प्यारा सा, कितना प्यारा सा, छोटा सा, ये देखो हाथी साला कितना भारी भरकम है. यस, दिस इज ए हिंडर्ड बेस. हिंडर्ड बोलो या बल्कि बोलो, ये एक हिंडर्ड बेस होता है क्योंकि इसकी जो रिएक्टिव स्पीसीज है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ये काफी बल्कि है. ये स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में तीन बेस लिखवाए हैं, जिसमें से दो छोटे छोटे हैं प्यारे से और एक हाथी जैसा है भारी भरकम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड. इज इट क्लियर? तो यूजिंग स्ट्रॉन्ग बेस वी हैव अल्कोहलिक OH, वी हैव सोडामाइड एंड वी हैव टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड. बेस कौन होता है? जो एनायन होता है. एनायनिक स्पीसीज बेसिक होती है. यहां पर इथॉक्साइड है, यहां पर एमाइड है और यहां पे टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है. क्लियर? बहुत मजा आएगा. आप देखिए, मैं विश्वास दिलाता हूं जितने भी डाउट होंगे आपके आज के बाद होंगे नहीं, सब दूर हो जाएंगे. रिगार्डिंग डीहाइड्रोहेलो जीनेस, जैसे मैं पढ़ाऊं आप इससे पढ़िएगा ध्यान से. जरा हटाए इसको. बच्चों, जहां डिहाइड्रेशन का सिर्फ एक ही पाथ होता है, इवन पाथ, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के पाथ तो दोनों हैं, बट द मोस्ट कॉमन इज E2 एंड द रेयरेस्ट इज E1. आप 20 एल्किल हैलाइडों का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराइए, आपको 18 में E2 कराना है और सिर्फ दो में E1 शायद कराना पड़े. और आप लोग कल भी मुझसे पढ़ चुके हैं, E2 इज फोटोकॉपी ऑफ SN2 एंड E1 इज फोटोकॉपी ऑफ SN1. E2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और E1 में SN1 के तरीके कार्बोकेटायन एस इंटरमीडिएट बनेगा. इसीलिए बच्चों, जैसे SN1 में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, E1 में भी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी. कल देखा था डिहाइड्रेशन E1 चल रहा था. जैसे SN2 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, वैसे E2 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता. गॉट इट? क्या मैं इसको हटा दूं? ओके. ओके, तो बच्चों हम लोगों ने आज ये देखा कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन E2 E1 दोनों पाथ को फॉलो करता है. E2 इज मोस्ट कॉमन. इसको हम लोग करवाते हैं यूजली स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक एल्कोहलिक KOH, NaNH2 और सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड. एल्कोहलिक KOH में रिएक्टिव स्पीसीज होती है इथॉक्साइड आयन, जो पावरफुल बेस होता है और हमेशा इलिमिनेशन कॉज करता है, और टेम्परेचर इनबिल्ड है हाई. ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने बोला कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मोस्ट कॉमन पाथ क्या है? E2. अब अगर मोस्ट कॉमन पाथ E2 है तो रिएक्शन इंटरमीडिएट तो कार्बोकेटायन बनने वाला नहीं है. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के प्रति कभी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी पूछी जाए तो हम बनने वाले प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से चेक करते हैं. कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? एल्की. यस, मतलब अगर कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड टूवर्ड्स डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो चूंकि बच्चों इसका मोस्ट कॉमन पाथ E2 पाथ होता है, इसलिए हम लोग यहां पे क्या करेंगे, बनने वाली एल्कीन की स्टेबिलिटी से चेक करेंगे. स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म्ड एल्कीन, ध्यान रखिएगा. लाओ धन्यवाद.
भी। और अब बच्चों मैं जो बोलने जा रहा हूं, ऑफ कोर्स ये एक कंट्रडिक्शन पॉइंट है। क्या मैं पिछली क्लास से चीख रहा हूं E2 इज फोटोकॉपी ऑफ SN2, E1 इज फोटोकॉपी ऑफ SN1, चीख रहा हूं ना? लेकिन बच्चों एक जगह ऐसा है जहां पर E2 SN2 के साथ कंट्रडिक्शन शो करता है। बच्चों एक बात बताओ, SN1 के प्रति सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा एल्किल हैलाइड था? टर्सरी, जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। सबसे कम कौन? प्राइमरी। E1 के प्रति भी सबसे ज्यादा रिएक्टिव एल्किल हैलाइड होगा टर्सरी, सबसे कम होगा प्राइमरी। फोटोकॉपी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बच्चों SN2 के प्रति सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा एल्किल हैलाइड था? प्राइमरी, स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली। और सबसे कम कौन था? टर्सरी, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत। लेकिन बेटा E2 में ऐसा नहीं होता। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन चाहे E2 को फॉलो करे चाहे E1 को फॉलो करे, इन तीनों ही दोनों ही केसों में रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। क्यों? क्योंकि यहां पर हम लोग रिएक्टिविटी चेक करते हैं बनने वाली एल्कीन से। जैसे प्लीज सामने देखिए, आपको ये टर्सरी एल्किल हैलाइड दिया गया, ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड दिया गया और ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड दिया गया। देखो बेटा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड से जब डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कराएंगे, सिंपल यहां डबल आ गया अनसब्स्टिट्यूटेड, यहां डबल आया मान लो तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड, यहां डबल आया मान लिया तो डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो टर्सरी एल्किल हैलाइड से जो एल्कीन बनेगी वो ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगी, इसलिए टर्सरी एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। चाहे बच्चों ये E2 के प्रति पूछा जाए और चाहे बच्चों ये E1 के प्रति पूछा जाए, ये देखिए डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में रिएक्टिविटी हमेशा टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी ही रहती है। ये एक छोटा सा कंट्रडिक्शन है E2 का SN2 के साथ। क्लियर? सो रिमेंबर, टर्सरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ओके बेटा, फिर देख लो, टर्सरी एल्किल हैलाइड से जो एल्कीन बनेगी, अगर हम तीनों R को CH3 मान लें, एक डबल बॉन्ड आया तो डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी, यहां पे डबल बॉन्ड आएगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी, यहां डबल बॉन्ड आएगा विदाउट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी। तो जो लेस स्टेबल एल्कीन बनाएगा उसकी रिएक्टिविटी कम मानी जाएगी और जो मोर स्टेबल एल्कीन बनाएगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा मानी जाएगी। चाहे पाथ हो E1 और चाहे पाथ हो E2, दिस इज द कंट्रडिक्शन बिटवीन E2 एंड SN2। E1 और SN1 में तो अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसमें? E2 और SN2। क्लियर? ओके, एग्जाम्पल और देते हैं, बिल्कुल आराम से पढ़िएगा। बस जहां भी कंट्रडिक्शन हो गया वहां पे थोड़ा टाइम लिया हमने आपका। बच्चों मैंने आपको ये तीन हैलाइड दिए, मैंने आपसे पूछा रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ। कभी कार्बोकैटायन को मत बनाना, किससे चेक करोगे? बनने वाली एल्कीन। देख मेरे भाई, यहां से Cl, यहां से H, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, डबल बॉन्ड यहां है, अल्फा से Cl, बीटा से H, डबल बॉन्ड यहां आया, कंजुगेटेड डाइईन बन गई।
ये सीएल ये एच डबल बॉन्ड यहां आया, बहुत ज्यादा कंजुगेशन, साथ में एरोमेटिसिटी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन ये बना रहा है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा और सबसे कम रिएक्टिव ये। ओके, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, बनने वाली एल्कीन से हम रिएक्टिविटी को चेक करते हैं, जबकि डिहाइड्रेशन में क्या किया था, बनने वाले कार्बोकैटायन से रिएक्टिविटी को चेक किया था, क्योंकि वो हमेशा फॉलो करता था इवन पाथ। ठीक, और यहां पे बच्चों मोस्ट कॉमन कौन सा है, E2, इसलिए यहां पे कभी कार्बोकैटायन से मत चेक करना, तुम हमेशा चेक करना बनने वाली एल्कीन की स्टेबिलिटी। ओके, आप लोग चाहो तो अपनी समझ के लिए, मेरे पास जगह नहीं है, इसके नीचे बना दो इसकी एल्कीन, इसके नीचे बना दो इसकी एल्कीन, और इसके नीचे बना दो इसकी एल्कीन, ताकि कभी फ्यूचर में रिवाइज करो तो आपको समझ में आ जाए ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, क्लियर हो गया बेटा बॉय, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े। अब बेटा मान लो टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, टर्सरी इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। मान लो एल्किल एलाइड का नेचर सेम हो जाए, हैलोजन डिफरेंट हो जाए, तो आपने परसों पढ़ा था सबसे पावरफुल लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, आयोडाइड। तो आयोडाइड का डिहाइड्रोहैलोजिनेशन सबसे जल्दी होगा और फ्लोराइड का डिहाइड्रोहैलोजिनेशन सबसे लेट होगा, सबसे देर में होगा, राइट। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगर नेचर सेम हो और हैलोजन डिफरेंट हो तो ध्यान रखिएगा बच्चों, आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि आयोडाइड की लीविंग पावर सबसे ज्यादा होती है। लीविंग पावर इंक्रीजेस, सो रिएक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस। ओके, आप देखिए SN2 हो, SN1 हो, E2 हो या E1 हो, अगर आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड दिए जाएं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमेशा होता है आयोडाइड, अगर नेचर क्या है सेम। ध्यान रखना बच्चों, ये लिविंग एबिलिटी से चेक सिर्फ तब करोगे जब नेचर क्या होगा सेम, सब प्राइमरी हैं, सब सेकेंडरी हैं या सब टर्सरी, अगर नेचर सेम नहीं है तो आपको मालूम है टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। ओके, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, पहले देखा जाता है नेचर, हमेशा ध्यान रखना, चाहे SN2 हो, चाहे SN1 हो, चाहे E2 हो, चाहे E1 हो, सबसे पहले देखते हैं नेचर और फिर देखते हैं हैलोजन, यह भी ध्यान रखना, गुरु मंत्र दे रहे हैं, ठीक है, पहले देखा जाता है नेचर और फिर देखा जाता है हैलोजन, ठीक है, फॉर रिएक्टिविटी ऑर्डर। ओके, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट, आपको बच्चों याद है डिहाइड्रेशन में आप लोग OH को हटा के प्लस लगा देते थे और फिर बीटा कार्बन से H हटाते थे, कुल मिला के अल्फा से हटता था फंक्शनल ग्रुप और बीटा से हटता था हाइड्रोजन, यहां पर भी वही हो रहा है, अल्फा से हट रहा है हैलोजन फंक्शनल ग्रुप और बीटा से हट रहा है हाइड्रोजन। सुनना, अल्कोहल में हम बीटा हाइड्रोजन सेल्ज़ेब रूल से हटाते थे, पुअर बिकम पुअर, हमेशा, लेकिन एल्किल हैलाइड में जब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराते हैं तो बीटा हाइड्रोजन यहां पर भी
सेल्जिव रूल से ही हटाया जाता है कुछ जगहों को छोड़कर। डिहाइड्रेशन में हमेशा यहां पर कुछ जगहों को छोड़कर। वो कुछ जगह कौन सी है, जब ये खत्म हो जाएगा तो वो कुछ जगह हम आपको बताएंगे, जहां पर बीटा हाइड्रोजन सेल्जिव से नहीं हटता है, हॉफमैन से हटता है। क्लियर? तो यहां पर हम इस पॉइंट को जरूर मेंशन करना चाहेंगे ऐसे लास्ट पॉइंट, इसको ऐसे लास्ट पॉइंट मैं यहां पे लिखवाना चाहूंगा। हेयर डी प्रोटोनेशन आल्सो फॉलो सेल्जिव रूल, जिसका दूसरा नाम जेटसेव। हेयर डी प्रोटोनेशन ऑल्सो फॉलो सेल्जिव रूल एक्सेप्ट फ्यू केसेस, एक्सेप्ट फ्यू केसेस, कुछ जगहों को छोड़ दीजिए, अदरवाइज यहां पर भी डी हाइड्रोहेलोजिनेशन सेल्जिव रूल को फॉलो करता है। गॉट इट? तो आज हम लोगों ने देखा, फिर से बोल रहा हूं, फिर सुन लीजिए, सब कुछ यही खत्म होना चाहिए, यही मेरी मंशा है, यही मेरा स्टाइल है। क्या ध्यान रखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जो E2-E1 दोनों पाथ को फॉलो करता है। E2 इज द मोस्ट कॉमन पाथ, क्योंकि बच्चों E2 मोस्ट कॉमन होता है, इसलिए हम लोग इनका रिएक्टिविटी कार्बोकेटायन से ना देखकर बल्कि बनने वाली एल्कीन की स्टेबिलिटी से देखते हैं। इसलिए चाहे E2 पाथ को फॉलो करे या E1 पाथ को फॉलो करे, टर्शियरी एल्किल हैलाइड मोस्ट रिएक्टिव होगा, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी उससे कम। यहां पे मेरे बच्चों ने एक कंट्राडिक्शन देखा E2 का SN2 के साथ। E1 SN1 में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, E2 SN2 में प्रॉब्लम आ गई। हम लोगों ने देखा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कैरीड आउट बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग बेस। वी हैव 3 स्ट्रॉन्ग बेसेस, अल्कोहलिक KOH हुज रिएक्टिव पार्टिकल इज इथॉक्साइड आयन NaNH2 एंड बल्कि बेस सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। अगर नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड सेम है तो हम हेलोजन की लीविंग पावर से देखेंगे, एल्किल आयोडाइड मोस्ट रिएक्टिव होगा और एल्किल फ्लोराइड लीस्ट रिएक्टिव होगा फॉर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्लियर? अब आइए, जैसा कि आपने देखा ये दोनों पाथ को फॉलो करते हैं E1 भी और E2। आइए सबसे पहले हम लोग लेस कॉमन पाथ E1 पाथ को देखते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान से बिल्कुल आराम से दिमाग खोलते हुए समझते हुए, E1 पाथ लेस कॉमन है, रेयर है, सुनना, सोचो ये साला रेयरेस्ट पाथ है, और जो चीज रेयरेस्ट है फिर वो उस सबस्ट्रेट को लाइक करती है जो हाईली रिएक्टिव हो। तो टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? टर्शियरी। इसलिए अगर E1 पाथ को फॉलो करना है then alkyl halide must be tertiary, okay? क्योंकि ये path बहुत ही less common है, और less path को less reactive halide तो follow करेगा नहीं, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? Most reactive halide, that is tertiary। अच्छा, जब जो even path से हम लोग dehydrohalogenation कराते हैं, तो हम लोग बच्चों strong base ना लेकर वीक बेस का इस्तेमाल करते हैं। किसका? सर जी ऐसा क्यों? अबे टर्शियरी वाला क्या सिर्फ E1 के लिए मोस्ट रिएक्टिव है? तो E2 के लिए भी तो मोस्ट रिएक्टिव है। अगर तुमने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया तो वो E2 पाथ को फॉलो कर जाता है, इसलिए हम लोग वीक बेस लेते हैं टू अवॉइड E2। बोलो हाँ या ना? एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। क्लियर? और बच्चों जब हम लोग E1 कराते हैं ना, तो हम लोग टेम्परेचर लेते हैं हाई। क्या लेते हैं? क्यों? क्यों? वो भी सुनो। वीक बेस की कैटेगरी में आते हैं तुम्हारे सॉल्वेंट लाइक H2O,
न्यूट्रल बेसिस, वीक बेस की कैटेगरी में आते हैं। एक बात बताओ, तुमने E2 से बचने के लिए H2O को एस बेस इस्तेमाल कर लिया, अबे H2O सॉल्वोलिसिस कराकर SN1 भी तो करा सकता है, बिकॉज इलिमिनेशन आर ऑलवेज इन कंपटीशन विद सब्स्टिट्यूशन। टर्शियरी एल्किल हैलाइड हाईली रिएक्टिव फॉर SN1 एंड यू हैव सॉल्वेंट विच कॉजेज सॉल्वोलिसिस, बोले तो SN1, तो SN1 कहीं ना हो जाए, इसलिए टेम्परेचर लेते हैं हाई। लो टेम्परेचर फेवर सब्स्टिट्यूशन, हाई टेम्परेचर फेवर इलिमिनेशन। ओके, तो कोई आपसे पूछे कि हाई टेम्परेचर क्यों लेते हैं, तो आप बताएंगे टू अवॉइड SN। इतना क्रिस्टल क्लियर आपको कहीं लिखा नहीं मिल सकता, किताब किताब में बिल्कुल नहीं लिखा मिले। क्लियर होगा पॉइंट? तो इवन पाथ रेयर पाथ है, तो एल्किल हैलाइड चाहिए रिएक्टिव, बेस चाहिए वीक ताकि E2 ना हो सके, और टेम्परेचर चाहिए हाई ताकि SN1 ना हो सके। क्लियर बच्चा? आइए देखते हैं, एग्जांपल लेके आपको और क्रिस्टल क्लियर करते हैं। बच्चों ये रहा टर्शियरी हैलाइड और हमने इसके ऊपर डाल दिया वाटर और टेम्परेचर ले लिया 50 डिग्री सेल्सियस। हाई टेम्परेचर का मतलब है 50, ठीक है? 25 डिग्री नॉर्मल मान लिया जाता है, 50 को हाई मान लेते हैं। बच्चों नो डाउट वी विल गेट इवन प्रोडक्ट। बच्चों हमें क्या मिलेगा? इवन। अच्छा कैसे मिलेगा? देखो देखो, E1 इज फोटोकॉपी ऑफ SN1। SN1 में सबसे पहले आपने हाइड्रोलिसिस करवाया था और कार्बोकेटायन को जनरेट किया था। बच्चों यहां पर भी हम लोग सर्वप्रथम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे एंड दिस इज द स्लोवेस्ट स्टेप RDS। मेरे छात्र देख सकते हैं स्लोवेस्ट स्टेप में सिर्फ एल्किल हैलाइड पार्टिसिपेट कर रहा है, बेस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसीलिए इसको कहते हैं यूनिमोलिकुलर इलिमिनेशन। एक आदमी है, राइट? क्या हुआ? क्या हुआ? तेरा वादा, मैं अपना वादा निभाऊंगी, मैं जरूर आऊंगी। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। ऐसा अक्सर पिक्चरों में होता है, बट अक्सर लास्ट मोमेंट पे हीरोइन का पापा उसको पकड़ के कमरे में बंद कर देता है और हीरो वहां पे गाना गाता रहता है, क्या हुआ तेरा वादा, है ना? देखो बेटा जवान, क्या तुम्हें याद है बच्चो, जिसपे प्लस आया वो हमारे लिए अल्फा, अगल बगल ऊपर नीचे बेटा। बच्चों अब हमें चूंकि इलिमिनेशन कराना है ना कि सब्स्टिट्यूशन, प्लीज लिखिए मत। हाँ, आप एक्चुअली आज सिर्फ इलिमिनेशन नहीं पढ़ रहे हैं, आज साथ में चिपक के क्या चल रहा है? सब्स्टिट्यूशन। सो प्लीज हर स्टेप को देखिए, सीखिए, सुनना। बच्चों अगर तुमने हाई टेम्परेचर ना लिया होता तो ये वाटर इस पे अटैक ना करता, अपने न्यूक्लियोफिलिक नेचर को शो करता और इस पर चिपक कर एल्कोहल बना देता, SN1 प्रोडक्ट। तो आपने बच्चों टेम्परेचर ले लिया हाई, हाई टेम्परेचर लेने पर ये अपने न्यूक्लियोफिलिक नेचर को शो नहीं कर पाएगा, बल्कि बच्चों ये शो करेगा अपने बेसिक नेचर को। और ये क्या करेगा? बेस को क्या चाहिए? अल्फा से एक फंक्शनल ग्रुप हटा चुके हो, अब बीटा से हाइड्रोजन को हटाना है, तभी तो कहलाया जाएगा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। एम आई राइट? ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर छूट गए और यहां पे डीलोकलाइज हो गए, और ये देखिए आपका प्रोडक्ट बन गया आइसोब्यूटी। This is your answer. Is it clear? आप जानते हैं बच्चों, अगर आप यहां पर
स्ट्रॉन्ग बेस एल्कोहलिक KOH ले लेते तो ये हेट्रोलिसिस कभी ना होती, ये कार्बोकेटाइन कभी ना बनता, क्योंकि फिर वहां पर E1 पाथ नहीं E2 पाथ हो जाता। इसलिए हमने बेस लिया वीक। अगर हाई टेम्परेचर ना लेते तो ये अपने न्यूक्लियोफिलिक नेचर को शो करता और ये कार्बोकेटाइन पे अटैक करके एल्कोहल बनाता। आपने हाई टेम्परेचर लिया, इसने अपने बेसिक नेचर को शो किया और बीटा कार्बन से डी प्रोटोनेशन करवाया अकॉर्डिंग टू सेंटजेफ रूल। तीनों ही बीटा हमारे लिए इक्विवेलेंट है, कहीं से भी एच हटाओगे डबल बॉन्ड लगाओगे तो आइसोब्यूटीन ही प्राप्त होगी। बोलिए हाँ या ना, गॉट इट? सो दिस इज अबाउट E1 मैकेनिज्म। लिखिए ठीक है। आप देख सकते हैं अल्फा से हटा है हेलोजन फंक्शनल ग्रुप और बीटा से हटा है हाइड्रोजन बोले तो एसिड प्रोटॉन। सो डी हाइड्रो हेलोजेनेशन। ठीक है, समझ के पढ़िएगा ध्यान से। क्लियर है बेटा? हटा दे इसको। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपको ये SN1 की जैसी दिखाई पड़ रही है? सर हम लोगों ने SN1 घर पे पढ़े ही नहीं तो हम क्या जाने। वो आपकी इच्छा है बेटा, है ना? वहां पर भी हेट्रोलिसिस हुआ, यहां पर भी हुआ, वहां पे भी कार्बोकेटाइन बना, यहां पर भी बना। अंतर आया है सेकेंड स्टेप में, वहां पर सॉल्वेंट ने कार्बोकेटाइन पे अटैक करके एल्कोहल पैदा किया सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। यहां पे सॉल्वेंट ने बेस के तरीके काम करके बीटा हाइड्रोजन को इलिमिनेट किया और एल्कीन बनाया इलिमिनेटेड प्रोडक्ट। गॉट इट? देखिए राइट आगे बढ़ा जाए, आज्ञा दीजिए भाई। ठीक है, इसको सेव रखेंगे, एक दूसरा पेज लेके आ रहे हैं। आइए बेटा, आपने अभी अभी इलिमिनेशन रिएक्शन में देखा कि जो स्लो स्टेप था उसमें सिर्फ एल्किल हैलाइड पार्टिसिपेट कर रहा था, बेस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। मतलब इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी इट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, हेंस कॉल्ड बोलो यूनिमोलिकुलर इलिमिनेशन। Got it? Next point. आप लोगों ने देखा बच्चों कि यहां पे कार्बोकेटाइन बन रहा है, हेंस रीअरेंजमेंट में टेक्स प्लेस। ठीक है, ओके, क्लियर बेटा पॉइंट? अब तो इन सब चीजों से बड़ा फैमिलर हो गए होगे, अपना अपना सा लग रहा होगा, इतना देख चुके हो। अगर तुम लोगों ने जो है
इसको हटा दें फिर बोलें कुछ। ओके आइए, तो आज हमारे छात्रों ने, मैं बार बार चीजों को रिवाइज करा रहा हूं, चीजें यहां पर रखनी चाहिए, पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। आज हमारे स्टूडेंट ने हेडिंग पढ़ी है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हैलोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन फ्रॉम ए एल्किल हैलाइड इज कॉल्ड डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। बच्चों ये कौन कौन से पाथ फॉलो करता है? E2 और E1। सब लोग बोलो यार, मोस्ट कॉमन इज। इसीलिए बच्चों जब भी एल्किल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर निकालना हो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के प्रति, हम कभी भी कार्बोकैटायन से नहीं देखते, हम लोग बनने वाली एल्कीन की स्टेबिलिटी से देखते हैं। तो बताइए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन से एल्किल हैलाइड होगा? टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन चाहे E2 हो चाहे E1 हो। एंड दिस इज द कंट्राडिक्शन बिटवीन E2 एंड SN2। गॉट इट? बच्चों बताओ ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हम किसकी हेल्प से करवाते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। जो नहीं बोलेगा गलत कर रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से लिए? अल्कोहलिक KOH, NaNH2, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। बेटा अल्कोहलिक KOH में बेसिक स्पीसीज है इथॉक्साइड आयन, NaNH2 में है एमाइड आयन, और उसमें है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन, ए बल्कि हिंडर्ड बेस। बच्चों एक बात, यहां पर डीप्रोटोनेशन भी सेट्स ऑफ रूल को फॉलो करता है, पर कुछ जगहों को छोड़ दीजिए, जबकि डिहाइड्रेशन में हमेशा सेट्स ऑफ रूल ही लगता है। आइए हम लोग E1 मैकेनिज्म को एक्सप्लोर करें। E1, अच्छा तुम तो रेयरेस्ट पाथ हो, तो तुम्हारे रास्ते पर वही चलेगा जो हाईली रिएक्टिव होगा, तो ले लिया टर्शियरी हैलाइड। अच्छा बात करें बेस की, काय बे टर्शियरी, तुम का केवल E1 के लिए रिएक्टिव हो, तुम तो E2 के लिए भी हाईली रिएक्टिव हो, क्या करें यार? तो E2 से रोकने के लिए हमने वीक बेस ले लिया। क्या ले लिया? बोले तो सॉल्वेंट। अब ये साला सॉल्वेंट टर्शियरी एल्किल हैलाइड में SN1 करा देगा, तो SN1 को रोकने के लिए हाई। गॉट इट? एग्जांपल लिया टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड, हाइड्रोलिसिस, कार्बोकैटायन बना, पानी ने हाई टेम्परेचर पर अपने बेसिक नेचर को सो किया, बीटा हाइड्रोजन को निकाल लिया, बीच में डबल बॉन्ड आ गया, आइसोब्यूटीन इज योर आंसर। इज इट क्लियर? ओके। अब बच्चों जब E1 मैकेनिज्म लेस पॉपुलर पाथ को आपने देख लिया, तो अब आपको देखना है मोस्ट कॉमन E2 पाथ। देखिए मजा आएगा भाई, मजा आने वाला है। आइए, अच्छा E2 दीदी तुम तो SN2 के जैसी होगी। हाँ, जैसे SN2 में आपको याद है लीविंग ग्रुप निकल रहा था हेलोजन, और पीछे से न्यूक्लियोफाइल अंदर आ रहा था, कोई कार्बोकैटायन नहीं बना, सीधे बनी ट्रांजिशन स्टेट और सीधे बना प्रोडक्ट, इसीलिए रीअरेंजमेंट की संभावना। SN2 में जिस कार्बन से हैलोजन हटता है उसी कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल आता है। बोलो हाँ या ना? E2 में भी कुछ ऐसा है, सिंगल स्टेप में होगी, कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा, सीधे बनेगा प्रोडक्ट। आओ देखें, पेन कॉपी बंद, देखिए ये देखिए, ये रहा बच्चों एल्किल हैलाइड। ऑफ कोर्स हम लोग करा रहे हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, जिस पर हैलोजन वाला फंक्शनल ग्रुप हो वो अल्फा है और उसके बगल वाले कार्बन को बीटा बोला। बोलो आया ना? अपन ने डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराना है, हमने वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एल्कोहलिक KOH ले लिया, जिसने पैदा करके दिया रिएक्टिव स्पीसीज C2H5O-। बोलो आया ना?
देख मेरे भाई देख लो, उल्टा लिख दिया, किसी को दिक्कत तो नहीं? सोच रहे सर यहां लिखना चाहिए था, वो कहीं भी लिख सकते हो, है ना? अच्छा देख लो, SN1 में ये हट गया था, सॉरी E1 में ये हट गया, प्लस आ गया, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी थी, फिर बीटा से H हटाया, डबल बॉन्ड लगाया, क्योंकि ये सिंगल स्टेप प्रोसेस होगा। क्या देखना, इसमें ये बेस सीधे बीटा हाइड्रोजन को H प्लस के रूप में निकाल लेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां छूट गए, ये यहां गया, कार्बन भरवड़ा गया, तो ये हैलोजन बॉन्ड पेयर को लेकर अलग हो गया। ध्यान से देखिए, जिस स्टेप में हाइड्रोजन निकल रहा है उसी स्टेप में हैलोजन भी निकल रहा, दोनों का रिमूवल एक साथ हो रहा है। हां बच्चों, दिस इज E2 इलिमिनेशन। जबकि E1 में आपने देखा था, पहले स्टेप में हैलोजन निकला था और दूसरे स्टेप में बेस ने एच को निकाला था, जबकि E2 में बेस ने एच को भी उसी स्टेप में निकाला और हैलोजन भी उसी स्टेप में निकला। और ये देखिए बेटा, आपकी एल्कीन बन गई, यहां डबल बॉन्ड आ गया, ये देखो एल्कीन बन गई, इसने एच को ले लिया, एथिल एल्कोहल हैलाइड आपका अलग हो गया। दिस इज E2 इलिमिनेशन। और यही बच्चों होता है स्लोवेस स्टेप। तो स्लोवेस स्टेप में देखिए, सबस्ट्रेट एल्किल हैलाइड भी पार्टिसिपेट कर रहा है और बेस भी पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं बाई मॉलिकुलर इलिमिनेशन। कोई कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है, इसलिए रीअरेंजमेंट की बच्चों कोई संभावना नहीं होती। जब जब E2 के द्वारा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है, हम सिंपल अल्फा से हटाते हैं हैलोजन और बीटा से हटाते हैं हाइड्रोजन और बीच में डबल बॉन्ड लगा देते हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो, पक्का लिखो ना, खत्म E2, बस देखते चलिए अभी, बस अब बेटा ये शुरुआत है ना, बहुत कुछ क्लियर करूंगा अभी। तो बेस ने, इस स्ट्रॉन्ग बेस ने बीटा कार्बन से प्रोटॉन को घसीट लिया, दोनों इलेक्ट्रॉन बीटा कार्बन पे चले गए जो सिग्मा के ऊपर डिलोकलाइज हुए, अल्फा कार्बन भड़बड़ाने लगा, तो हैलोजन दोनों बॉन्ड पेयर को लेकर अलग हो गया और इस प्रकार से एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। ओके, हमारे स्टूडेंट यहां पर ये भी देख रहे हैं, जो रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्किल हैलाइड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बेस, हेंस कॉल्ड बाई मॉलिकुलर इलिमिनेशन। Hence called bimolecular elimination. बोलो बेटा, जरा ध्यान से अटैक और डीलोकलाइजेशन कराइएगा। अभी आपको एक सवाल कराएंगे, आपको बहुत हंसी आने वाली है, एक अच्छा सवाल है, जरा देख लीजिए फिर कराते। दो पेन देना, ये वाले बहुत अच्छे, हल्के वाले, एक और ऐसे ही ठीक, चल देखो, सब में लिख लिया। अब देखिए बेटा, E2 पाथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं, जरा सुनिएगा। देखो E2 पाथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है
कि निकलने वाला हेलोजन अल्फा कार्बन से और निकलने वाला हाइड्रोजन बीटा कार्बन से, ये दोनों लीविंग ग्रुप मस्ट बी एंटी कोप्लेनर। जरा बोलो बच्चों, एंटी कोप्लेनर का सिंपल मतलब ये समझो, अपोजिट टू ईच अदर। अगर एक लगा है वेज से तो दूसरा होना चाहिए डैश से, अगर या फिर एक लगा है ऊपर की तरफ तो दूसरा होना चाहिए नीचे की तरफ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर E2 इलिमिनेशन, बोथ लीविंग ग्रुप दैट इज हेलोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन मस्ट बी एंटी कोप्लेनर। आप जानते बेटा, अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो गए तो बाल्टी भर के डाल दो एल्कोहलिक के ओवेच, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं होगा। ये मुझे कोई शौक नहीं था डिजाइन बनाने का, हेलोजन को ऊपर की तरफ और बीटा हाइड्रोजन को नीचे की तरफ दिखाया। ये मैं ये कहना चाहता था कि दोनों लीविंग ग्रुप एंटी कोप्लेनर होने चाहिए। ओके बेटा, इस पॉइंट को लिखिए, बोथ ग्रुप ब्रैकेट में हेलोजन एंड हाइड्रोजन, आप चाहो तो और अच्छा लिख लो, बोथ और ग्रुप के बीच में लीविंग और लिख लो, बोथ लीविंग ग्रुप, ठीक है, बोथ लीविंग ग्रुप मस्ट बी एंटी कोप्लेनर बोथ लीविंग ग्रुप हेलोजन एंड हाइड्रोजन मस्ट बी एंटी कोप्लेनर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंट होने चाहिए। इसीलिए बच्चों E2 इलिमिनेशन को हम लोग ट्रांस इलिमिनेशन भी कहते हैं। बच्चों बोलो क्या कहते हैं? ट्रांस इलिमिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि दोनों लीविंग ग्रुप बेटा 180 डिग्री पर ओरिएंट होने चाहिए, एक बाहर के तरफ तो दूसरा अंदर के तरफ, जबकि E1 में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है, क्योंकि वहां पे बनता है कार्बोकैटायन, हाइड्रोलिसिस हो जाती है वहां पर, कार्बोकैटायन बनता है बच्चों, जो प्लेनर होता है वहां पे अटैक आगे से भी हो सकता है पीछे से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन है बच्चों E2, बोथ लिविंग ग्रुप मस्ट बी एंटी को। आओ मैं इस पॉइंट को खूब झेलम झेल एक्सप्लोर करता हूं, देखा जाए। चलिए एक आध पॉइंट और लिखो पहले, फिर करते हैं एक्सप्लोर। रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, ये भी लिख लो कि बाद में करेंगे उसको। नो रीअरेंजमेंट, सिंपल अल्फा से हटेगा हेलोजन और बीटा से हटेगा हाइड्रोजन, ठीक है, और बीच में डबल बॉन्ड। चलो अब ये जो ट्रांस इलिमिनेशन की मैंने बात बताई है कि दोनों हटने वाले ग्रुप एंटी कोप्लेनर होने चाहिए, आओ इसको ऐसे एक्सप्लोर करते हैं बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पलों के द्वारा। क्या मेरी क्लास तैयार है? पक्का? चल चल मेरे भाई हट जाओ, देखते हैं। ठीक, चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया, विच रिप्रेजेंट E2 मैकेनिज्म या E2 इलिमिनेशन, विच रिप्रेजेंट E2, सब लोग नजरें सामने, आपको इस सवाल में ऐसी आएगी कि बताइए एग्जामिनर कैसे सवाल बना देते हैं। एग्जामिनर का काम होता है कि बच्चों की कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है, वो कितना सोच पा रहे हैं, बस एग्जामिनर ये देखना चाहता है।
बुजुर्ग सवाल पूरा नहीं हुआ आंसर आ गया, कौन बोला बेसी? क्या है, रुक तो बोलने दो, अभी बेस को अटैक तो करने दो मेरे लाल। हाँ या ना? हाँ या ना? क्या ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन को शो कर रहा है? बोलो क्या बात कर रहा है? अल्फा से बी आर हट रहा है, बीटा से एच हट रहा है, है? आप देखिए आप इस एच को कैसे हटा सकते हैं? हटने वाले दोनों क्या होने चाहिए? अपोजिट। बेस जो है वो अपोजिट वाले एच पे अटैक करता है, राइट और रॉ? क्या ये सही है? अच्छा, बेस अपोजिट वाले पे करता है। ओ हो, ओके ओके। सही है गलत? अरे यार अपोजिट वाले कराया है भाई यार। भैया एक हटता है अल्फा से, दूसरा हटता है बीटा, तुमने दोनों हटा दिए अल्फा से, ये भी क्या हो गया? ओहो हो, तीसरा वाला होगा। अच्छा भाई, सही है गलत है? अब तो सही होगा यार, पक्का? ये अभी भी गलत है, तो एक्चुअली हमें चौथा ऑप्शन भी कुछ और बनाना। भैया बेस अपने लोन पेयर हेलोजन को देता है या हाइड्रोजन को? एम आई राइट? तो ये काम भी क्या किया है तुमने? गलत। अच्छा अच्छा, अब तो बोरवासर का मजबूरी है कि उन्हें सही ही बनाना पड़ेगा। देख लेते हैं भाई, हमारे पोरवाल सर है, कुछ भी कर सकते हैं। सही है गलत? बोलो सही है गलत? यस, ये बिल्कुल सही है। इट रिप्रेजेंट ई टू एलिमिनेशन। समझ में आया बेटा? अल्फा से हटता है हेलोजन और बीटा से हटता है हाइड्रोजन। कोई भी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, इसलिए सही आंसर होगा फोर्थ। पहला वाला गलत इसलिए हो गया, दोनों का ओरिएंटेशन सेम। दूसरा वाला गलत इसलिए हो गया, दोनों तुमने सेम कार्बन अल्फा से हटा दिए। तीसरा वाला गलत इसलिए हो गया, लोन पेयर हाइड्रोजन को दिए जाते हैं, हेलोजन को नहीं। तो आंसर आपका कौन सा है? फोर्थ वाला। बड़ा समझ में आ रहा है बेटा? आप देखिए, इवन में मैकेनिज्म बताने के बाद एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बच्चों वो बहुत ही रेयर मैकेनिज्म होती है। लेकिन जो E2 है, ये बहुत ही कॉमन मैकेनिज्म है, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। एरो ना सही ढंग से बनाइएगा, कुछ भी बना लो। अगला सवाल पेश किया जाए। ए बी सी डी में तीनों गलत है, चौथा वाला आंसर सही होगा, जो करेक्टली E2 इलिमिनेशन को डिनोट कर रहा है, वो चौथा वाला ऑप्शन। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है? देखते हैं कितने लोग झंडू चवनप्रास खा के आए, मतलब कम सब कमजोर कमजोर से फील हो रहे हैं वैसे तो हमें। आओ थोड़ा तो मजबूती देते हैं, हटाए इसको। आइए अगला क्वेश्चन पेश कर रहे हैं, हुजूर मुलायजा फरमाइएगा। ओके ओके, ठीक है, पिल मत जाना उसमें, ठीक है? आओ देखो, मतलब एक क्वेश्चन आपके सामने आया, ध्यान रखिएगा बच्चों। E2 इलिमिनेशन में सबसे जरूरी कंडीशन होती है दोनों हटने वाले एंटी को प्लेनर होने चाहिए, ठीक? फिर हम देखते हैं सेटजप पेटजप को, पहले देखते हैं एंटी को प्लेनर। देख रहा, एक सवाल बच्चों आ गया,
ट्रांस वन ब्रोमो टू फिनाइल साइक्लोपेंटेन, ट्रांस वन ब्रोमो टू फिनाइल साइक्लोपेंटेन, और हमने इसमें डाला एल्कोहलिक के ओएच और ई टू पाथ को फॉलो किया, बताइए प्रोडक्ट क्या होगा। बोलिए मन, सिर्फ देखिए, बताए, तैयार? चलो देखते हैं, बहुत तो चल देखे जरा कितने लाइन में है। चित्र बनाकर दिखाओ इसका, जरा इसका चित्र बना के दिखाओ। प्रिंसिपल चेन है साइक्लोपेंटेन, सब्स्टिट्यूएंट दो लगे हैं, ब्रोमो और फिनाइल, ट्रांस पोजिशन पे हैं, ध्यान से बनाइएगा। चलो बताओ जरा, देख ले, एक पर बी आर लगाना है और दूसरे पर फिनाइल, फिनाइल नीचे लगाऊं या ऊपर? चलो कुछ तो आता है, कुछ तो सीख लिया तुम लोगों। ठीक, अब देखना, हमने इस पे डाला एल्कोहलिक के ओएच ई टू इली, सब नजर सब सामने रखो, अबे एल्कोहलिक के ओएच तुम तो साले डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कराओगे, और मोस्ट कॉमन पाथ 99% होता है E2। इसलिए बच्चों डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में ज्यादा टेंशन बिल्कुल मत लेना, यहां पे हमेशा E2 ही पाथ होता है, इसलिए रीअरेंजमेंट की कोई संभावना नहीं होती है। अल्फा से हटता है हेलोजन, बीटा से हटता है हाइड्रोजन, लेकिन सेटजेप रूल लगाने से पहले सबसे जरूरी कंडीशन, बोथ ग्रुप मस्ट बी एंटी को प्ले नर। ठीक, देखो, ओह माय गॉड, ये रहा अल्फा जिस पे लगा है हेलोजन, हुजूर बीटा तो ये भी है, और बीटा बोले बेटा ये भी है। अब देखना बच्चों, ऑफ कोर्स इस बीटा पे दो हाइड्रोजन होंगे, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, सबसे पहले हमारे बच्चों को ये देखना चाहिए कि अगर आपको इस हेलोजन को हटाना है जो नीचे की तरफ ओरिएंटेड है, तो बीटा हाइड्रोजन ऊपर की तरफ ओरिएंटेड होना चाहिए। इस बीटा का हाइड्रोजन नीचे की तरफ ओरिएंटेड है, सेंजर की ऐसी की तैसी ये हट नहीं सकता, ये हट नहीं सकता बच्चों, मजबूरी, और मजबूरी का नाम राहुल गांधी, कि हमें इसी हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, जब साला लगे चाहे ना लगे, क्योंकि E2 इलिमिनेशन की सबसे जरूरी कंडीशन है अल्फा से हटने वाला हेलोजन और बीटा से हटने वाला हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, एक नीचे तो दूसरा ऊपर, एक वेज से तो दूसरा डैश से, एक डैश से तो दूसरा वेज से। सेटअप देखेंगे बाद में। आप देखिए, जो बच्चे ओरिएंटेशन को ना देखते सीधे सेटजेप को लगाते, तो वो सोचते कि पुअर बीकम पुअर, वहां से एच हटाओ जहां पर हाइड्रोजनों की संख्या ज्यादा कम है, वो यहां पे डबल बॉन्ड लगाते और उनको नंबर मिलते बच्चों -1, ये गलत होगा, बोलो नहीं बीच में? ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिए, ये वाला एच नहीं हट सकता है, यही वाला एच हटेगा और बॉन्ड डबल बॉन्ड बच्चों होगा, इसलिए आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, ये जैसे लगे हैं वैसे लगे रहेंगे। ओके, आपका बेटा आंसर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, द आंसर इज 3-phenyl-cyclo, बहुत बढ़िया बेटा, पेंट 1E। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट।
ओके। तो अगर बेटा इस प्रकार का चित्र आपके सामने आता है तो ध्यान रखिएगा ई टू इलिमिनेशन में हम सेट्जब रूल को बाद में लगाते हैं, पहले हम लोग लगाते हैं एंटी कोप्लैनर। अल्फा में लगा हेलोजन और बीटा से लगा हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, फिर लगाएंगे सेट्जब और फिर कराएंगे इलिमिनेशन। ठीक है, समझ में आया? सोचो सोचो सोचो, अगर तुमने ये एंटी कोप्लैनरिटी ना पढ़ी होती तो तुम सीधे अल्फा से हेलोजन और पुअर बीकम पुअर लगा के यहां से हाइड्रोजन हटाते और तुम्हें नंबर मिलते धन से माइनस वन। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? क्लियर? घर पे अगर थोड़ा पढ़ोगे, देखो बड़ा चैप्टर है, हम कई बार आपसे कह चुके हैं शादी बारात में जाओ खाना परसो, पनीर की सब्जी, छोले, रायता, टीम झाम, अचार, पचास सब रख लो। थोड़ी देर बाद क्या होगा? मिक्सिंग हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। मिक्सिंग से बचना चाहते हो तो आपका एक ही तरीका है, आप बार बार चैप्टर को पढ़ें और टीचर के द्वारा दी गई सीट को सॉल्व करें। बच्चों मिक्सिंग तो होगी, ज्यादा जब खाने पीने का आइटम सर में डालोगे, ज्यादा थ्योरी सर में डालोगे तो मिक्सिंग तो उससे बचने का सिर्फ एक तरीका है, बहुत बार रिवीजन और क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ठीक है बेटा, पक्का? अब देखते हैं कि क्या तुम कितना समझे हो। सोचो अगर बच्चों इसी क्वेश्चन में, आप भले दोबारा लिख लीजिएगा, आप दोबारा लिख लीजिए, हम इसी में कर दे रहे, ठीक। इसी क्वेश्चन में बच्चों सोचना, ट्रांस की जगह यार यहां पे सिस लिखा होता, बोलो नहीं, क्या लिखा होता? तुम्हें एक बात बताओ, अगर यहां पर सिस लिखा होता तो ये फिनाइल कहां पर होता? बोलो, फिनाइल होता नीचे और हाइड्रोजन होता। अब जरा मेरे बच्चे ध्यान से देखें, इस ब्रोमीन के अपोजिट इस बीटा का हाइड्रोजन भी है और इस बीटा का हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन इलिमिनेशन के लिए तैयार बैठे हैं। अब हम लगाएंगे सेट्जब रूल, पुअर बीकम पुअर। तो हम लोग अब इस वाले हाइड्रोजन को हटाएंगे, इस वाले को नहीं हटाएंगे, तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा अब की बार बच्चों वो ये बनेगा। ओके, यहां पे सॉरी, यहां पे अपना डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब की बार आपका आंसर होगा 1 2 3 4 5, 1 फिनाइल साइक्लोपेंट 1E। ठीक, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने E2 मैकेनिज्म को भी क्या कर लिया? खत्म कर लिया। ध्यान से सुनिए मेरी बात, आज हम लोगों ने डिहाइड्रो हेलोजिनेशन की सारी मैकेनिज्म को देखा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ा कि भाई E1 को तो मारो गोली, E2 जो होता है अपना मोस्ट कॉमन पाथ होता है, बोलो बेटा, और यहां पे दोनों ग्रुप मस्ट बी एंटी कोप्लेनर। सबसे पहले E2 में एंटी कोप्लेनरिटी को देखा जाता है और जब उससे काम ना हो तो सेट्जब के पास जाते। क्लियर है? खत्म हो गया डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। परंतु आपको याद है मैंने आपसे बोला था कि यहां पर डी प्रोटोनेशन सेट्जब से कराते हैं कुछ जगहों को छोड़कर, बस उसके से 3 मिनट, ऐसी जगह हैं 3। कितनी? 3। 3 स्थान बच्चों ऐसे हैं एल्किल हैलाइड में जहां पे मेजर प्रोडक्ट सेट्जब वाला नहीं होता, हॉफमैन्स वाला होता। तो लास्ट पॉइंट 3 केसेस वेयर द
मेजर प्रोडक्ट इज हॉफमैन. बिल्कुल आराम से मिला ना, ठीक है. पहला, व्हेन हैलोजन इज फ्लोरीन. व्हेन हैलोजन इज फ्लोरीन. ये हमने एल्किल फ्लोराइड दिया, बेस आप कोई भी ले लीजिए. देखिए, जिस पर एलोजन है वो अल्फा, बगल वाले बीटा. जैसा कि मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर स्टीरियो केमिस्ट्री पर एग्जामिनर नहीं घुस रहा है तो हम बीटा वाले एच को अपोजिट ही मानते हैं, ठीक. अगर सेंसिप के अकॉर्डिंग देखें तो एच को हमें यहां से हटाना चाहिए और डबल बॉन्ड यहां लगाना चाहिए, लेकिन जब हेलोजन होता है फ्लोरीन तो सेंसिव नहीं, हॉफमैन प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट. हम यहां से हटाएंगे एच को और इसको बनाएंगे. दिस इज मेजर प्रोडक्ट. ऑफकोर्स इसमें कोई शक नहीं है कि सेंसिटिव प्रोडक्ट भी बनेगा, लेकिन वो इस केस में मेजर नहीं, माइनर होगा. बच्चों, में चाहूं तो इसका रीजन भी दे सकता हूं, लेकिन मैं जबरदस्ती बच्चों को एक्स्ट्रा लोड डालना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों का दिमाग ज्यादा झेल भी नहीं पाता है. तो बेफालतू में इसके रीजन पे नहीं जाएंगे. कार्बन आयन मैकेनिज्म होती है, छोड़िए उसको, याद रखिए ऐसे बायो पॉइंट कि अगर हेलोजन फ्लोरीन होगा तो मेजर प्रोडक्ट सेंसिटिव से नहीं, हॉफमैन से डिसाइड किया जाए. मेजर प्रोडक्ट मोर स्टेबल एल्कीन नहीं, लेस स्टेबल एल्कीन को माना जाए. क्लियर पॉइंट. दूसरा, तीन केसेस है जहां पे मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन माना होगा. हटाने इसको, बस कुछ क्षण और, मंडे से पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रिया. क्लियर. दो क्वेश्चनों के लिए, कितने क्वेश्चन? फिजिकल केमिस्ट्री का इकलौता चैप्टर है जिससे दो सवाल आ जाते हैं, वरना फिजिकल केमिस्ट्री के हर चैप्टर से एक सवाल आता है. सॉलिड स्टेट एक, इलेक्ट्रो एक, मोल एक, गैसियस एक, एटॉमिक एक, केमिकल काइनेटिक्स एक, केमिकल इक्विलिब्रियम कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं भी आता. आयनिक इक्विलिब्रियम दो, बड़ा चैप्टर है, मजा आएगा. ठीक, बहुत मजा आएगा कालिया, बहुत मजा आएगा. हो गया ये केस नंबर टू. When base is hindered या बल्कि बच्चों, hindered base मैंने एक ही तो पढ़ाया आपको, सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड. हेलोजन बच्चा कोई भी ले लो, अब की बार कंडीशन हेलोजन की नहीं है, अब की बार कंडीशन है बेस की. देखो तो पहचान पा रहे हो कि ये सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ही लिखा है, पहचान गए हैं? जैसे बेटा एल्कोहलिक क्यूओएच में रिएक्टिव स्पीसीज होती है इथॉक्साइड और सॉल्वेंट होता है उसी का एल्कोहल, वैसे रिएक्टिव स्पीसीज है ब्यूटॉक्साइड और उसी का सॉल्वेंट ले लो, टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल. देखो बेटा, जब बेस बहुत बच्चों बल्कि हो जाता है तो तुम बताना, यहां पर तो समझा भी सकते हैं, समझना खुद बताना बेटा. सेंसिटिव के अकॉर्डिंग ये एच हटेगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा, और हॉफमैन के अकॉर्डिंग यहां से हटेगा, यहां डबल आएगा.
खुद सोचो, मैं नहीं बताऊंगा। E2 इलिमिनेशन होता है, E2 में बेस बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता है, उसको निकाल लेता है और बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। सोचो जब बेस बहुत भारी होगा तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर अटैक करना पसंद करेगा, सॉरी लेस सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन पे अटैक करना पसंद करेगा। कार्बन पे बोल के हमने पाप कर दिया था, तो कार्बन पे अटैक हो जाता तो सब्स्टिट्यूशन हो जाता, वो तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर हो जाता। तो ये बेस जब बहुत बल्कि होता है तो ये मोर हिंडर्ड पोजीशन पे अटैक ना करके लेस हिंडर्ड पोजीशन पे अटैक करेगा, यहां से अटकेगा, यहां डबल आएगा और ये हैलोजन बाहर जाएगा। इसलिए यहां पर भी मेजर प्रोडक्ट सेल्सेब वाला नहीं बच्चों, हॉफमेंस वाला होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसका तो मैंने आपको रीजन भी बता दिया। हिंडर्ड बेस बल्कि बेस लेस सब्स्टिट्यूटेड साइट पर अटैक करना पसंद करेंगे और मेजर प्रोडक्ट जो बनाएंगे वो हॉफमेंस वाला बनाएंगे। क्लियर? तीसरा रीजन, इफ आफ्टर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, तीसरा केस जहां पर मेजर प्रोडक्ट सेल्जिप से नहीं बनाया जाएगा, पुअर बीकम पुअर से नहीं बनाया जाएगा, इफ आफ्टर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कंजुगेटेड डाइईन इज फॉर्म। बेटा बोलो क्या बनेगी? कंजुगेटेड डाइईन इज फॉर्म। बच्चों ध्यान दो कैसे पढ़ाते हैं। देखो पहले वाले केस में हैलोजन की कंडीशन थी, दूसरे वाले केस में बेस की कंडीशन है, तीसरे वाले में हैलोजन कुछ भी हो बेस कुछ भी हो, यहां पर कंडीशन हैलोजन या बेस की नहीं है। देख इसके पास H, अब देखना अकॉर्डिंग टू सेल्जिप पुअर बिकम पुअर, तो डबल यहां पर आएगा, बनेगी क्यूमुलेटेड डाइईन जो अनस्टेबल होती है। और अगर सेल्जिप के अपोजिट यहां से यह छटा है तो डबल बॉन्ड यहां पर आएगा और बनेगी कंजुगेटेड डाइईन, ज्यादा स्टेबल कौन? तो अगर बच्चों कंजुगेटेड डाइईन का फॉर्मेशन हो रहा हो तो भी हम लोग सेल्जिप की बात नहीं मानते हैं, उसके अपोजिट हॉफमेंस की बात मानते हैं और मेजर प्रोडक्ट आपका कंजुगेटेड डाइईन होगा। ठीक है बेटा? तो बच्चों ये तीन केस आपने देखे, पहले केस में हैलोजन की कंडीशन है, बेस चाहे कुछ भी ले लो, दूसरे केस में बेस की कंडीशन है बल्कि होना चाहिए, हैलोजन चाहे कुछ भी ले लो, और तीसरे में हैलोजन बेस दोनों में से किसी को भी कुछ भी ले लो, लेकिन अगर प्रोडक्ट कंजुगेटेड डाइईन बन रहा है तो सेल्जिप से नहीं हॉफमेन से कराया जाता। बोलो हाँ या ना? इस प्रकार से बच्चों मैं कह सकता हूं, होना दे ओके। हटाए इसको, आवाज नहीं बिठा, आवाज नहीं बिठा ना, मजाक नहीं चल रहा है। डिहाइड्रेशन में हमेशा हमने इवन पाथ को फॉलो किया,
हमेशा वहां पे सेटजेप को लगाया। डिहाइड्रो एलोजिनेशन में मोस्ट ऑफ द केस में E2 लगाएंगे और सेटजेप भी लगाएंगे हमेशा, बस तीन केसों को छोड़कर। वेल हेलोजन इज फ्लोरीन तो हॉफमैन बनाओगे, वेल बेस इज बल्कि तो हॉफमैन बनाओगे, वेल कंजुगेटेड डाइईन इज द प्रोडक्ट तो हॉफमैन बनाओगे। हटा दे। इस प्रकार से बच्चों हम कहेंगे कि आपका इलिमिनेशन रिएक्शन भी खत्म हुआ और इसी के साथ ये चैप्टर डायनासोर चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म भी क्या होता है, खत्म होता है। मंडे से बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम।